सेल्फ मेडिकेशंस फॉर क्रॉनिक डिजीजेस. क्रॉनिक डिजीजेस पाकिस्तान में कौन सी अहम है, हम उनके लिए डायग्नोसिस की तरफ किस तरह से जाते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से स्टार्ट करते हैं, आज एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अल्ताफ है और मेडिकल के शोबे में मेरा 10 साल का तजुर्बा है. सेल्फ मेडिकेशन वैसे तो किसी भी डिज़ीज़ की सूरत में हार्मफुल है. आप घर में जो मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वो आपकी बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है आपको अंदाज़ा भी नहीं. चाहे डिजीज़ एक्यूट हों या क्रॉनिक हों, दोनों के अंदर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं. सबसे पहले आप एक्यूट डिजीज़ को ले लें. आपका गला ख़राब होता है, आप कोई भी एंटीबायोटिक जो किसी और को एडवाइज़ की होगी, शायद उसकी डिज़ीज़ की सीवियरिटी के हिसाब से आप वो मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं. आपने पहली दफ़ा वो दवाई ली, आपको फ़र्क पड़ गया, दूसरी दफ़ा ली, फ़र्क पड़ गया, लेकिन तीसरी दफ़ा दवाई लेने के बाद उसी दवाई ने आपके ऊपर कोई असर नहीं डाला. फिर आपका सवाल होता है कि दवाइयाँ डॉक्टर ने ही दी हैं लेकिन दवाइयाँ असर नहीं कर रही. इसकी वजह यह है कि आपने किसी और की गले की दवाई जो किसी और को एक डिफरेंट सीवियरिटी पे एडवाइस की गई थी, शायद उसका गला इतना ख़राब ना हो और शायद उसका आपसे ज़्यादा ख़राब हो, उस वक़्त उसको जो दवाई एडवाइस की गई आपने वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हिसाब से ले ली. अगली दफ़ा ले ली, तीसरी दफ़ा ले ली और उसके बाद उसने आपको फ़र्क डालना छोड़ दिया क्योंकि आपके बैक्टीरियम उस दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. आपके जिस्म के अंदर जिस बैक्टीरिया की वजह से वो डिज़ीज़ डिवेलप हो रही थी, आपका वो बैक्टीरिया उस ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा था. तो आपने उसे क्या किया, आपने उसको फीड करना शुरू कर दिया, आपने उस दवाई को उसका फूड बना दिया. अब वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. आपको वो दवाई शायद एक सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो रोक रही थी लेकिन आपके इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रही थी. इसलिए चाहे आप ख़ुद के लिए कोई दवाई ले रहे हों या ख़ास तौर पे अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना करें. छोटी एज में जब आप बच्चों को किसी पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि फ़िलहाल इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसकी कंडीशन सेल्फ रिजॉल्विंग है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, तो प्लीज़ वो एक दो दिन एक अच्छी सपोर्ट के साथ बच्चे के साथ गुजार लें. आपका वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर गुजरेगा. जो आप शायद अगर दवाई बहुत अर्ली बच्चों को स्टार्ट करवा दी जाए तो बहुत जल्दी उनकी कंडीशन में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग के लिए उस बच्चे को किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस से बचा लेंगे. इसलिए जो आपके डॉक्टर्स, आपके पेडियाट्रिशियंस, आपके फैमिली फिजिशियंस आपको बताते हैं उनकी बात पर हमेशा ट्रस्ट करें. अब पाकिस्तान के अंदर सेल्फ मेडिकेशन इतनी कॉमन है और कॉमन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी दवाई की बहुत आसानी से है. हम लोगों ने बहुत चेक्स डॉक्टर्स के हिसाब से भी लगाने की कोशिश की है, ड्रग अथॉरिटीज़ ने भी लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो चेक्स कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाते हैं. कोई भी एंटीबायोटिक आपको ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है, आप मेडिकल स्टोर जाते हो आपको मिल जाती है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो माजरत के साथ मेडिकल स्टोर के काउंटर पे खड़ा हुआ लड़का ही अपने आप को एक बहुत बड़ा फिजिशियन कंसिडर कर रहा होता है और आपको कोई भी दवाई दे देता है विदाउट चेकिंग योर थ्रोट फॉर एग्ज़ाम्पल और फॉर एनी डिज़ीज़ यू आर कंसल्टिंग हिम. इस तरह की दवाई से अवॉइड करें. अब ख़ास तौर पे नींद की गोलियां सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी गोलियां हैं जिनके ऊपर कुछ चेक है कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर या एक ख़ास क्वांटिटी जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उसके बग़ैर आपको नहीं मिलती. दैट्स अ गुड थिंग, अ गुड न्यूज़. बट अगर आपके मुल्क में इस तरह के चेक्स हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो प्लीज़ अपने आप को तो कम अज़ कम बचाएँ. अब आते हैं हम क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ. अब क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन दो डिजीज़ आती हैं, एक हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी है और दूसरी डायबिटीज़ यानी कि शुगर है. दोनों के अंदर डिफरेंट किस्म के लोगों के कंसर्न्स होते हैं. शुगर के अंदर लोगों को लगता है कि शायद पहले दिन से उनको इंसुलिन शुरू करवा दी जाएगी, जो कि एक बिल्कुल गलत कंसर्न है. मुझे शुगर है जी, मेरी बहन को भी शुगर है, उसको तो डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू करवा दी और वो तो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल फिट हो गई. प्लीज़ अपने फिजिशियन के डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट रखें. आपका फिजिशियन कभी भी आपको गलत दवाई एडवाइस नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये हम आपको कमिंग वीडियोस के अंदर बताएंगे जब हम डिज़ीज़ वाइज वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करेंगे. इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो
अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दवाई आपकी लाइफ के अंदर चेंज ले आएगी और आपको कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई डाइट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई फूड ग्रुप्स की सिलेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसी चेंजेस अपनी एक्सरसाइज रूटीन में नहीं लानी पड़ेंगी, आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल और वो सेडेंट्री रहेगा विद दिस डिज़ीज़, तो आप गलत हैं। दवाई ने आपके जिस्म पे एक हद तक रिस्पॉन्स देना है, बाकी चीज़ों ने उस रिस्पॉन्स को बूस्ट करना है। सब कुछ आपकी हर डिज़ीज़ का इलाज दवाई नहीं है, कुछ चीज़ें आपको साथ फॉर लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी पड़ती हैं। सो इसलिए कभी भी अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपके आसपास कोई भी डॉक्टर जो प्रॉपर एक फिजिशियन है, आप उससे कंसल्ट कर लें। वो आपको, अगर तो उनको आपकी डिज़ीज़ समझ आती होगी तो आपको ख़ुद दवाई एडवाइस कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपको किसी स्पेशल रेफरेंस की ज़रूरत है या किसी स्पेशलिस्ट की तरफ आपको रेफ़र करना चाहिए, तो वो आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर देंगे, जिनसे आप अगेन एंड अगेन फॉलो अप लेते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करें। हर बंदे की बीमारी, हर बंदे की बॉडी और हर बंदे की बॉडी का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ मेडिकेशन डिफरेंट होता है, ये हमेशा याद रखें। अपने फिजिशियन के डिसीजंस को ट्रस्ट करना शुरू करें और जब भी आपको ज़रूरत हो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।